हे गाइस, दिस इज शिवम हेयर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन के बारे में। देखिए, यूनिट कन्वर्जन एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आते हैं, आपको थ्योरी पता है, लेकिन पेपर में जिस यूनिट में आपने आपका आंसर निकाला है उसे किसी और यूनिट में आपका आंसर पूछा हुआ है एंड आपको तब यूनिट कन्वर्जन नहीं आता ना करना, तो यकीन मानिए आपका जो सॉल्व किया हुआ आंसर होगा ना, सब बेकार हो जाएगा। तो आज हम इसी बात में बारे में बात करेंगे कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते कैसे हैं। देखिए, यूनिट कन्वर्जन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप कोई भी यूनिट ले लीजिए, वॉल्यूम ले लीजिए, प्रेशर ले लीजिए, एनर्जी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें यूनिट कन्वर्जन होगा ही होगा। उसके कई सारे यूनिट होती ही होती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, फॉर एग्जांपल एनर्जी एंड प्रेशर के बारे में, जो कि अगर हम थर्मोडायनेमिक के लिहाज से देखें या फिर हम गैसेस स्टेट के लिहाज से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़ायदा बस इतना होगा कि आपको डेली की डेली मेरे चैनल पर अलग से विजिट नहीं करना होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर एंड शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने का फ़ायदा बस इतना है कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि जिनके लिए मैंने ये चैनल बनाया है उनको फ़ायदा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें प्रेशर की, तो देखिए प्रेशर हमारा होता क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वेयर। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर माइनस टू, है ना। अब देखिए, ये तो हो गई एक यूनिट। अब न्यूटन मीटर माइनस टू को ही क्या कहते हैं, हम पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। न्यूटन मीटर माइनस टू को ही पास्कल भी कहते हैं। अगर अब हमें इस न्यूटन मीटर माइनस टू या पास्कल को कन्वर्ट करना पड़ जाए एटीएम में, तो देखिए जो 1 ATM होता है ना, उसमें होते हैं 101325 पास्कल। एक एटीएम में 101325 क्या होते हैं, पास्कल, या फिर हम कह सकते हैं 101325 न्यूटन माइनस मीटर माइनस टू। अगर हम जो भी हमारी यूनिट आई है पास्कल में, जो भी वैल्यू आई है उसको इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे ना इस वैल्यू से, तो हमारी जो यूनिट किस में आ जाएगी, एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए 1.01325 इंटू में 10^5, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, एक ही तो बात है, ठीक है। अब देखिए जो 10^5 पास्कल होता है ना, वो कितना होता है, वो होता है 1 bar। 10^5 पास्कल कितना होता है, 1 bar होता है। अब मैं अगर बार को एटीएम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करना होगा, वही 1 ATM क्या हो जाएगा, 1.01325 bar, है ना, क्योंकि 10^5 में तो पास्कल आ ही जाता है ना। तो 10^5 पास्कल किसके इक्वल है, 1 bar के। फैक्टर क्या बच गया, 1.01325, तो 1 ATM किसके इक्वल आ जाएगा, 1.01325 bar के इक्वल आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक है जिसमें हमने प्रेशर को किस किस में कन्वर्ट कर लिया, प्रेशर के कौन कौन सी यूनिट पढ़ ली, एक तो न्यूटन मीटर माइनस टू, एक हमने पढ़ लिया पास्कल जो कि एक ही बात होती है, एक हमने पढ़ ली बार, और एक हमने पढ़ ली एटीएम। इसके अलावा अगर हम प्रेशर की बात करें तो इसकी एक यूनिट और होती है, डेट इज टोर, जिसे हम कहते हैं MMHg भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो 1 ATM में कितना होता है, 760 MMHg, यह आपने सुना भी होगा, 760 MMHg काफ़ी कॉमन वर्ड है, काफ़ी कॉमन यूनिट है, ठीक है। इस तरीके से हम प्रेशर का कन्वर्जन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एनर्जी की। एनर्जी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा यकीन मानिए एनर्जी के ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आपको मोस्टली कन्वर्जन करना ही पड़ता है। अब देखिए एनर्जी के लिए कुछ बेसिक जो आपको वैल्यूज हैं वो याद रखनी है, उसके थ्रू आप, अगर आपको वो याद है ना, तो आप सारी की सारी एनर्जी का कन्वर्जन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आर की एक तो वैल्यू होती है, आर जो है गैस कांस्टेंट, जो आपने गैस स्टेट में पढ़ा होगा, एक तो इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन माइनस वन मोल माइनस वन, ठीक है। इसकी एक वैल्यू होती है 2 calorie केल्विन माइनस वन मोल माइनस वन, ये कैलरी में आ गई। एक आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर ATM केल्विन माइनस वन मोल माइनस वन, और एक आर की वैल्यू होती है
0.08314 लीटर बार केल्विन माइनस वन मोल माइनस वन। ये आर की चार वैल्यूज़ हैं, चार अलग अलग यूनिट में, जूल केल्विन माइनस वन मोल माइनस वन, 2 कैलोरी केल्विन माइनस वन मोल माइनस वन, 0.08821 लीटर एटीएम केल्विन माइनस वन मोल माइनस वन एंड 0.08314 लीटर बार केल्विन माइनस वन मोल माइनस वन। अब देखिए, आपको मान लीजिए कोई भी एनर्जी दे रखी है, आई मीन एनर्जी की वैल्यू आई आपके पास, मान लीजिए 50 जूल केल्विन माइनस वन मोल माइनस वन। आपको इसको कन्वर्ट करना है कैलरी में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यू है ना, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई, एंड जिससे कन्वर्ट करना है ना उसकी जो बेसिक वैल्यू है उससे डिवाइड कर दीजिए। दैट इज 50 कैलरी की यूनिट क्या होती है, आई मीन कैलविन कैलरी में वैल्यू क्या होती है, 2 कैलरी केल्विन माइनस वन मोल माइनस वन, तो 2 से मल्टीप्लाई, एंड किससे कन्वर्ट करना है, जूल केल्विन माइनस वन मोल माइनस वन, तो इसकी यूनिट क्या होती है, आई मीन इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.314। आपकी जो ये यूनिट है ना वो कैलरी में कन्वर्ट हो जाएगी। जो भी आपका आंसर आएगा ना वो किस में आएगा, कैलरी में आएगा। था ना सिंपल। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, 1 लीटर बार को कन्वर्ट करना है जूल में, तो क्या करना होगा, 1 को उससे मल्टीप्लाई कीजिए जिसमें कन्वर्ट करना है। तो जूल में, जूल की यूनिट क्या अपने पास, एक ही है 8.314 वाली, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8.314 से और डिवाइड कर देंगे लीटर बार वाली यूनिट से। लीटर बार वाली यूनिट कौन सी है, ये वाली, तो इसे डिवाइड कर देंगे 0.08314 से। जो भी हमारा आंसर आएगा ना उसमें क्या होगा, लीटर बार कन्वर्ट होकर आएगा जूल वाली यूनिट में। था ना सिंपल। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने इसे कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि जो आपके क्लासमेट हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक को लेके, स्पेशली थ्योरी मत पूछना यार, थ्योरी तो आपकी बुक में लिखी होगी, थ्योरी तो मैं क्या ही समझाऊंगा। अगर आपको किसी को लेके ट्रिक चाहिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।